नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे की स्वागत है। हम सपना। नेपाल में थप 77 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 5,607 PCR परीक्षण में 62 आ 2,374 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 15 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 11,950 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 179 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक होइत नेपाल में अखन 9,60,686 गोटे संक्रमित से नीक भेल छन। अखन नेपाल में 5,212 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 106 गोटे क्वारंटाइन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मधेश आंदोलन में शहादत देने शहीद सबक सालिक सहित के शहीद द्वार के शुक्र दिन उद्घाटन भ रहल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका निर्माण केने शहीद द्वार जनकपुर धाम के उत्तरी प्रवेश द्वार मुजेलिया में रहल अछि। भगवान राम के पूर्ण कद के प्रतिमा सहित के धनुष आकार द्वार के बीच में शहीद निकू यादव, दिलीप यादव आ संजय चौधरी के सालिक राखल गेल। ओ सब मधेश आंदोलन के क्रम में जनकपुर धाम में शहीद भेल छलथ। तीनों गोटे के अंत्येष्टि कयल गेल स्थल आसपास निर्माण भेल द्वार के दुनू दिस मधेश आंदोलन के अन्य शहीद सब के विवरण समेत उल्लेखित स्तंभ सब रहल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 4 करोड़ के लागत में शहीद द्वार के निर्माण के ने बतौनी अछि। द्वार के उद्घाटन नगर प्रमुख लाल किशोर शाह कर लागल छन। मधेश आंदोलन के सब शहीद सब के समेटल गेल ई एकमात्र पहिल स्थल देखल गेल अछि। नेपाल भर के इंजीनियर के छाता संस्था नेपाल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के नया कार्य समिति चयन के लिए निर्वाचन भेल अछि। एसोसिएशन के 33वीं कार्यकारिणी समिति के लेल आई देश भर के 7 प्रदेश के 14 स्थान में एक साथ मतदान भेल अछि। निर्वाचन के लेल 5 समूह के प्रतिस्पर्धा रहल अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस निकट सेंट्रल फॉर डेमोक्रेटिक इंजीनियर डॉक्टर हरि बहादुर धर्माली के समूह से उम्मीदवार बनाओल गेल अछि। उक्त उम्मीदवारी प्रति रुष्ट बनल कांग्रेस के दिलीप कुमार झा के नेतृत्व में दोसर समूह समेत चुनावी मैदान में उतरल छन। एहिना नेकपा एमाले निकट राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन के डॉक्टर सूरज लामी झा ने नेकपा माओवादी केन्द्र आ एकीकृत समाजवादी एकीकृत प्रगतिशील समूह से डॉक्टर हरि राम पराजुली आ नेपाल मजदूर किसान पार्टी निकट इंजीनियर समाज नेपाल के राजेंद्र प्रसाद हाड़ा के समूह से प्रतिस्पर्धा में उतारल गेल अछि। देश भर 21,680 मतदाता रहल छन। निर्वाचन 25 सदस्य केंद्रीय समिति चयनकर्ता संगे नया कार्य समिति के कार्यकाल 2 वर्ष के रहल एसोसिएशन जानकारी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस धनुषा के सभापति में योगेंद्र पजियार के जिताबे लेल नेता विमलेंद्र निधि आ प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव मतदान स्थल में वोट मांग में व्यस्त भेल छन। जनकपुर के तिरहुतिया गाछी में भिनसर 10 बजे से मतदान शुरू भेल अछि। मतदान शुरू भेलते मतदाता सब के भीड़ से हो देखल गेल अछि। उक्त भीड़ में हाथ जोड़ित आगा निधि आ पाछा प्रदेश मंत्री यादव देखल गेल छन। ओ सब पजियार के मतदान कर लेल मतदाता आगा हाथ जोड़ित आगा बढ़ल छन। सभापति के उम्मीदवार पजियार छिरेसर नाथ नगर पालिका के मेयर सेहो रहल छन। क्षेत्रीय सभापति समेत रहल ओ पहिल चरण के मतदान में सर्वाधिक मत आने छलन, मुदा 50% से बेसी मत आना नहीं पड़लाक बाद दोसर चरण के मतदान अखन भ रहल अछि। दोसर चरण में पजियार संघ संस्थापन पक्ष के उम्मीदवार संतोष यादव प्रतिस्पर्धा में उतरल छन। पहिल चरण में सबसे कम मत आने प्रतिस्पर्धा से बाहर भेल दिनेश प्रसौला पजियार के समर्थन केलाक बाद वह जितबाक आंकलन सेहो बढ़ल अछि। व्यापारिक मार्ग वीरगंज पथलैया व्यापारिक मार्ग के एकल बोल पत्र रोक सर्वोच्च अदालत अकाल्पनिक आदेश जारी कलक अछि। 4 करोड़ के व्यापारिक मार्ग वीरगंज के पावर हाउस से रजत जयंती चौक धर आ रजत जयंती चौक से मितेरी पुल धर के सड़क निर्माण कर लेल सागर आ समान निर्माण कंपनी संघ के मिलोमतों में बिना प्रतिस्पर्धा एकल स्वीकृति भ रहल टेंडर के आह्वान कयल गेल पर सर्वोच्च अदालत में सड़क विभाग के विपक्षी बनाकर मुद्दा दायर कयल गेल छल। वह मुद्दा के सुनवाई करते सर्वोच्च अदालत अनियमितता आ
मेल मिलाप में बोल पत्र के तत्काल के लेल ठेका प्रक्रिया आगा नहि बढ़ाव आदेश देलक अछि। व्यापारिक मार्ग विस्तार बीरगंज पथलैया आर्थिक लोभ के कारण एकल बोल पत्र बिना प्रतिस्पर्धी सिस्टमेट बराबर के रकम ठेका होब जेहन दाखिला केने स्थानीय निर्माण व्यवसायी सबके कहब रहल अछि। महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्री उमा रेग्मी जलवायु परिवर्तन के असर संबंध में विश्व के ध्यान आकर्षण कराब लेल काला पत्थर जाकर घूरल महिला समूह के स्वागत केने छन। शुक्र दिन त्रिभुवन विमानस्थल पहुँचल मंत्री रेग्मी काठमांडू से 13 दिन पद यात्रा शुरू कर काला पत्थर जाकर आयल समाज के विभिन्न क्षेत्र के प्रतिष्ठित 40 गोटे महिला के समूह में स्वागत कल गल। यह क्रम में मंत्री रेग्मी जलवायु परिवर्तन से पड़ल असर के संबंध में विश्व के संदेश देनाए सकारात्मक विषय भेल जानकारी देने छन। जलवायु परिवर्तन से महिला के भेल असर संबंध में कराओल गेल ध्यान आकर्षण प्रति ओ आभार व्यक्त कलन। तहिना मंत्री रेग्मी जलवायु परिवर्तन निके असर पड़ल आ ऐसा सब गोटे के सचेत रह लेल धारणा रखल। पारेको छ भन्ने कुरा पनि विश्वलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ। म सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साहसको लागि। उहाँले साहस गरेर त्यहाँ गएर एउटा सन्देश मूलक किसिमले यो 112 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा जुन किसिमको एउटा विश्वलाई सन्देश दिने किसिमले काम गर्नुभयो त्यसको लागि जाने सबै टोली नेतादेखि सबैलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा हामी सचेत हुनै पर्छ, यसले हामीले वास्ता गरेका छैनौँ। क्लाइमेट चेन्जले हामीलाई कति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्दै लिएर आएको छ यो हामीले सम्झना गरेका छैनौँ। अहिना साथ साथै के अध्यक्ष प्रतिजा कार्किस विभिन्न क्षेत्रके 40 गोटे महिलाके समूह जलवायु परिवर्तनके असर सम्बन्धमे विश्वके ध्यान आकर्षण कराब घोषणा पत्र जारी केने आ काला पत्थरमे महिला दिवस मनाब सफल भेल तर्क कलथ। हामीले चाहिँ विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको बेस क्याम्प पुग्न सफल भयौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले काला पत्थरमा इन्टरनेसनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ 8 मार्चमा थियो, त्यो पनि एउटा सफल कार्यक्रम भयो त्यत्रो हाइटमा। र यो ट्रेकबाट चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला 20 वर्षदेखि 62 इयर्ससम्मको वुमेनहरू हामीसँग हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो। सबै ग्रुप एज ग्रुपको महिलाहरू चाहिँ अब हामी बेस क्याम्पमा गयौँ। त्यसले चाहिँ के सन्देश दिन सक्यो भनेदेखि महिलाहरूले चाहे भने जे पनि गर्न सक्नुहुने रहेछ र ट्राभल कल्चर डेभलप गर्नलाई ठुलो मद्दत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। यो एउटा मेसेज जानेछ राम्रो। अनि अर्को चाहिँ काला पत्थरमा हामीले वुमेन्स डे सेलिब्रेट गर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई चाहिँ एउटा प्रकृतिसँग जोडेर वुमेन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस भन्ने नारा लिएर हामी त्यहाँनिर गएको थियौँ। र मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसके अवसरमे साथ साथै संस्थाके आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय आ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सबके सहयोगमे महिला सबके समूह काला पत्थरमे विशेष कार्यक्रम करैत जलवायु परिवर्तनके विषयमे 10 बुन्दे घोषणा पत्र जारी केने छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाङ अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सैन्य सम्झौता नै भेल जानकारी देने छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घके 23 साधारण सभाके शुक्र दिन सम्बोधन करैत खाङ MCC राजनीतिक आ प्रशासनिक सम्झौता नै रहल स्पष्ट कलथि। MCC नेपाल सरकारसँग सहमति भएको आगाँ बढल ई कोनो सैन्य सम्झौता नै रहल अछि, राजनीतिक आ प्रशासनिक सम्झौता सेहो नै रहल हुनकर कहब छल। ई सम्झौता विकास साझेदारीके रहल गृहमन्त्री खाङ कहलथि। MCC खास कऽ कऽ नेपालके गरिबी निवारण, बेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढ़ाव, भौतिक पूर्वाधारके बढ़ाव उद्देश्यके साथ ई आनल गेल तर्क कलथि। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार कऽ कऽ जनताके घर आँगन धरि लऽ जाय आ बेसी भेल तऽ विद्युत पड़ोसी देशके बेचबाक अइके विशेष उद्देश्य रहल हुनकर कहब अछि। साउदी अरब के परराष्ट्रीय मंत्री नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ फागुन 1 गते से चैत 1 गते धरि तक कर लागल भ्रमण में नेपाल सेहो आबि रहल सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देने छथि।
बृहस्पति दिन बैसल मंत्री परिषद के बैसार से द्विपक्षीय छलफल के लिए परराष्ट्र मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गठन करवाक निर्णय कैल गेल अछि। नेपाल आ सऊदी अरब सरकार बीच होबय वाला द्विपक्षीय हस्ताक्षर के पत्रक मस्यौदा बनाब परराष्ट्र मंत्रालय के स्वीकृति देने से हो निर्णय कैल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में सोन के दाम शुक्र दिन तोला में 600 रुपया से बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार छापावाल सोन के दाम आई तोला के 1,02,600 रुपया में कारोबार भर रहा है। तेना बृहस्पति दिन तोला के 1,02,000 रुपया में कारोबार भेल सल। अहिना आई तेजाबी सोन के दाम तोला के 1,02,100 रुपया निर्धारण कैल गेल। आई चांदी के दाम से हो तोला में 10 रुपया से बढ़ल है। बृहस्पति दिन 1,405 रुपया में कारोबार भेल। चांदी आय 1,415 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित भेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।